गैस चूल्हा और सिलेंडर देने के लिए लालच देकर मनिहानी के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद ने जिला परिषद सदस्य जदयू नेता शंभु सुबन पर जो मामला दर्ज करवाया था वह कोर्ट में न गलत साबित हुआ, बल्कि मुख्य गवाह विश्वनाथ यादव कोर्ट में मुकर के साथ साथ बाहर भी मीडिया के सामने विधायक मनोहर प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक अपने आवास में गैस चूल्हा और सिलेंडर देने के लालच देकर उन्हें बुलाते हुए सफेद कागज में अंगूठे का निशान ले लिया था। बाद में उन्हें पता चला कि वह जिला परिषद सदस्य सह जदयू नेता शंभु सुमन पर मामला दर्ज करवाया है, जबकि वह कभी मनिहारी थाना गए ही नहीं। उधर कोर्ट में 164 के बयान और विश्वनाथ यादव की सच के खुलासे के बाद जिला परिषद सदस्य जदयू नेता शंभु सुमन ने कहा कि विधायक उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हुए अक्सर कोई न कोई हथकंडा अपनाकर उन्हें परेशान करना चाहते हैं। अब आगे वह इस पर जिला के आला अधिकारियों का आवेदन देकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई का फरियाद लगाने की बात कह रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, मैं जदयू का, जनता दल यूनाइटेड का एक कर्मठ समर्पित कार्यकर्ता हूँ और इसके साथ साथ 2011 से लेकर 2016 तक मैं मनिहारी का प्रखंड प्रमुख भी रहा और वर्तमान में मैं खुद भी जिला पार्षद हूँ और मेरी माँ भी जिला पार्षद मनिहारी से है। मनिहारी की दोनों जिला परिषद सीट से मैं चुनाव जीता हूँ और मेरी लोकप्रियता को देख करके माननीय विधायक जी काफ़ी घबराए हुए हैं। वहीं मनिहारी के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी विश्वनाथ यादव को बुलाया ही नहीं था। विश्वनाथ यादव खुद चलकर उनके घर आकर जिला परिषद शंभु सुमन पर ठगी का आरोप लगाया था। विश्वनाथ यादव के साथ स्थानीय मुखिया गोपाल यादव और कई लोग भी मौजूद थे। उन्हें इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक शंभु सुमन का सवाल है, वह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बेवजह उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जाएगा वह मानहानि का दावा करेंगे। शंभु सुमन से टेलीफोन पर बात किया और कहा कि आप बोले थे कि हम पैसा रिटर्न कर देंगे, तो क्या पैसा रिटर्न कीजिएगा? कहा कि हम पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, वो जहाँ जाना है जो करना है करो। तो उस पर उन्होंने केस किया। इसके बाद फिर थाना में गया, उसमें हमको क्या लेना देना है, लोगों ने केस किया, अपना दस्तखत किया, वहाँ जाकर थाना में दिया। इसके बाद अब कैसे मैनेज किया, नहीं मैनेज किया हम नहीं जानते हैं। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।